हाय प्रिय, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने में काम मस्त होंगे। फ्रेंड, जिस तरह हम मस्त हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए इधर लौका का सब्जी बना रहे हैं कुकर पे, है ना। ये लौका का कोफ्ता बना रहे हैं जो कद्दूकस में कर लिए हैं, और देखिए तवा पे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे उठा ली। गर्म नहीं लगा? गर्म लगता है, आदत हो गया। हल्का सा तेल फ्राई कर रहे हैं और मसाला वगैरह अच्छे से डाल के वो भी कम तेल में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज कोफ्ता ही कोफ्ता खाएंगे। पता नहीं खुशी और क्या खाएंगे, मुझे पसंद नहीं है। आलू चोखा बना देंगे, ठीक है। पूरा किचन फैला हुआ है, देखिए एक कोफ्ता है अभी है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। खा के देखो। नहीं, इस बार हम पूजा करने जाएंगे मंदिर में। ये थोड़ा सा गीला गीला टाइप का रहता है, ऊपर से हम मतलब ही तवा बना रहे हैं ना, इसलिए बस चलेगा, पेट पे जाना चलेगा, ताप चलेगा। तो ये देखिए हल्का सा तेल डाल के फैला दे रहे हैं तवा पे, और थोड़ा सा है जैसे भी हम डाल देते हैं। आज थोड़ा सा गर्मी रहा थे फ्रेंड्स, 2 दिन बारिश उधर पड़ा थोड़ा थोड़ा शाम शाम को, तो अच्छा है, अच्छा मौसम किया। कल भी राहत मिला, आज भी राहत, नहीं तो ये सब बनाने का झंझट, बाप रे बाप, यहाँ खड़ा रहने का ये नहीं, हिम्मत नहीं है। तो ये सब बना कहाँ सकते थे, भात बनाते। पर ये देखिए छोटा छोटा आज आराम है, इसलिए बोड़ा बना रहे हैं। देखिए ये हम लोग इधर बंगाल में बोड़ा बोलते हैं, ये इधर कोफ्ता बोलते हैं, लोका कोफ्ता, कोफ्ता कोफ्ता। खुशी का भी गर्मी छुट्टी है तो घर में पढ़ाई करती है, इसलिए हम लोग नहीं बना पाते हैं। नानी घर इसका गए थे, आप लोग देखे होंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, नानी घर गए थे, वहाँ से बीमार पड़ के आ गए, बहुत ही ज्यादा बीमार। हम लोग नहीं जाएंगे गर्मी में, नरे बाबा कहीं नहीं जाएंगे, ठंडा में, ठंडा में जाना, ठंडा में वहाँ रहा था। बड़ी गर्मी है।